नमस्कार, मैं रचना शर्मा चर्दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। वल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने ऐलान किया था कि हम नया कानून बनाएंगे। देश में महामारी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में वायरस के 45,882 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ही भारत में कुल मामलों की संख्या 90,04,366 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 584 मरीजों की जान चलेगी। इस महामारी के कारण अब तक 1,32,162 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। देश में महामारी के 4,43,794 मामले सक्रिय हैं। वहीं महामारी से कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 84,28,410 हो गई है। हरियाणा में स्कूल खुलते ही वायरस ने कोहराम मचा दिया है। महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा में कुल 147 छात्र महामारी से संक्रमित हो गए हैं। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 72 छात्र संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12-12 और हिसार में 6 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। कई स्कूलों में छात्रों के साथ शिक्षक भी संक्रमित हैं। सभी स्कूलों में टेस्टिंग के आदेश दे दिए गए हैं। जिन स्कूलों में पॉजिटिव केस मिले हैं उनको 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हरियाणा में अब तक वायरस की चपेट में 2,09,251 लोग आ चुके हैं। वहीं 1,87,559 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में महामारी से मरने वालों की संख्या 2,113 तक पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश के वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने और खरीदने और ट्रांसफर करने की जांच अब शुरू हो गई है। सीबीआई ने यूपी शीर्ष वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी समेत 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य सरकार ने पिछले साल ही सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसका डीओपीटी ने 18 नवम्बर को नोटिफिकेशन जारी किया है। नोएडा बॉर्डर की तर्ज पर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी रैंडम महामारी टेस्ट किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज दोपहर 2 बजे से होगी। हरियाणा के डीजी हेल्थ ने कल फरीदाबाद का दौरा किया और बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग कराने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि रैंडम सैंपलिंग के जरिए वायरस के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश में वायरस के बढ़ते मामलों पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गृह विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बैठक में बाजार के समय या रात के लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। सभाओं समारोह में लोगों की भीड़ को लेकर भी निर्णय हो सकता है। शेष एमपी एमएलए अदालत ने वर्ष 2015 में एक धरना प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के मामले में तत्कालीन कांग्रेस नेता और मौजूदा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 9 अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। वायरस से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर्स में शामिल हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि मैंने इसके लिए अपना नाम दिया है, जिसके तहत मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष अब डिजिटल माध्यम से चुना जाएगा। कांग्रेस ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फैसला किया है। नए अध्यक्ष का चुनाव डिजिटल होगा। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स को डिजिटल आईडी कार्ड जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की ओर से वोटर लिस्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली में वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। सड़क पर बिना मास्क पहने घूमने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पहले यह जुर्माना 500 रुपए का था और जिसे अब 4 गुना और बढ़ा दिया गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।